और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं इसका टॉपिक है फ्लैट्स बुकड इन 2004 और यहां पे तीन तरह की लाइंस हैं। एक लाइन एच की हो गई एक एम की हो गई और एक एल की हो गई और ये एक्स एक्सिस पे उसने हमें शहरों के नाम बताए हुए हैं अलाहाबाद चंडीगढ़ मैंगलोर बड़ौदा नागपुर औरंगाबाद और, और यहाँ पे ये जो स्केल है ये है कि कितने फ्लैट्स बुक हुए सो यदि हमें इसको स्टडी करना है तो अलाहाबाद में 2004 में 280 सौ अस्सी एच आई जी एल जी और 440 सौ एम जी फ्लैट बुक हुए इसी तरह से हम हर शहर का इस दिए हुए डेटा के बेस के ऊपर साथ में फिगर्स भी दी हुई हैं हमारा काम आसान हो गया है अगर ये फिगर्स यहां नहीं होती तो हमें यहां से साइड से एस्टीमेट लगाने पड़ने थे सो so, अब उसका क्वेश्चन देख लिया जाए इफ फॉर औरंगाबाद द नंबर ऑफ एच आई जी फ्लैट्स बुकड इन टू थाउजेंड फाइव ये अगले साल की बात है वॉज मोर देन दैट इन टू थाउजेंड फोर By 15% परसेंट यानी कि एच flats अगले साल 15% परसेंट बढ़ गए और नंबर ऑफ एम flats booked in बुकड इन अगले साल में वाज मोर देन दैट इन 2004 बाय 10 परसेंट तो एम flats में 10% परसेंट बढ़ोतरी हुई और नंबर ऑफ एल आई जी फ्लैट्स तीनों तरह के फ्लैट्स की बात हो रही है एल आई जी फ्लैट बुकड इन टू वाज मोर देन दैट इन 2004 बाय 20 परसेंट देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स बुक्ड इन औरंगाबाद सेम सिटी इन द नेक्स्ट ईयर सो हमें उसने तीनों तरह के फ्लैट्स में उनकी बढ़ोतरियां दे दी हैं और हमें पूछा है कि अगले साल टोटल फ्लैट कितने बुक हुए थे सो so, सबसे पहले तो इंक्रीज ही निकाल लिए जाए इंक्रीज आ जाएंगे तो हमारे पास ये तीनों फिगर्स हैं उनमें उनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सो so, शुरू होते हैं एच फ्लैट से एच है आपका ये सर्कल वाला 520, सो so, इसमें बढ़ोतरी हुई 520 सो बीस गुना पंद्रह So, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे ये टोटल आ जाता है 78। इसी तरह से एम फ्लैट्स में इंक्रीज था 10% परसेंट का एम का मतलब है ये वाला स्केयर 460, तो इसका इंक्रीज था 460 सिक्सटी इंटू परसेंट जो हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि 46 था और उसके बाद चले आगे आपका एल आई का बात रहता है एल आई जी बुक इन टू थाउजेंड फाइव वॉज मोर टू थाउजेंड फोर बाइ टी परसेंट सो एल ये वाला और ये ट्राइंगल से 340 का आ गया सो so, एल में बढ़ोतरी थी अगले साल ट्वेंटी परसेंट की ये बढ़ोतरी है इंक्रीज है सो so, इसको आप देखते हैं तो ये सिक्सटी एट का फिगर आपके पास आ जाता है और टोटल इंक्रीज में यहां से जोड़ लेता हूं यह टोटल इंक्रीज एक सौ पहुंच जाता है और यह तो हुआ इंक्रीज और जो एक्चुअल पिछले साल में थी फिगर्स इनको भी जोड़ लिया जाए 520, 460 और 340 इनको आप वैसे तो ओरली भी जोड़ सकते हैं 340 और 60 हो जाते हैं 400, 400 और 400, 800 और बीस से तेरह बीस ये आ गया एक सौ बानवे ये था अब इन्हें आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है जो देखूं मैं तो पंद्रह सो बारह इज द राइट आंसर सो इस तरह से क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था और कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं थी हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ना था लेटस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वही डायग्राम है वही सब कुछ है ये उसका सेकंड क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन का इकट्ठा सेट आता है एग्जाम में आउट ऑफ एच आई जी फ्लैट बुकड फ्रॉम चंडीगढ़ ये चंडीगढ़ की बात है तो यहां पे 35% फाइव परसेंट वर बुकड बाय एम्प्लॉज ऑफ ए फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये एच आई जी की बात कर रहा है सो एच आई जी यानी कि यह सर्कल हो जाता है तो चार सौ फिगर मैं यहां से देख रहा हूं 400 की सो so, चार का 35 परसेंट वो कह रहा है वर बुकड बाय इंप्लॉइज ऑफ अ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक बात हो गई एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग जो बचते हैं सो so बचते कितने होंगे रिमेनिंग ये पैंतीस है तो पैंसठ परसेंट क्योंकि 100 में से 35 निकालेंगे तो पैंसठ परसेंट बचा हुआ और इसका जो वैल्यू आ जाता है वो 260 आपका वैल्यू आता है तो अब वो 260 की बात कर रहा है दैट इज एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 260 में से फ्लैट्स वर बुक्ड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड एचआरएम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसके दो भाग हैं ये एक तो सॉफ्टवेयर कंपनी और एक एच आर एम डिपार्टमेंट इन द रेशो सिक्स इज टू सेवन ये सिक्स था और ये रेशो इसकी सेवन है वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ ये एल आई जी नहीं है एच आई जी ही है टाइपिंग मिस्टेक है What was द टोटल नंबर ऑफ HIG flats booked by officers बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कंपनी सो बेसिकली हमें 260 को दो पार्ट्स में बांटना है छ और सात रेशों में और इसका वैल्यू बताना है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है 260 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय इसका और इसका जोड़ होता है सिक्स प्लस सेवन और इसको गुना करते हैं टोटल टू सिक्सटी जो फिगर है जिसको आप दो भाग में बांट रहे हैं तो एक भाग हो जाएगा सिक्स बाय थर्टीन इंटू टू सिक्सटी और दूसरा भाग सेवन बाय थर्टीन इंटू टू सिक्सटी ये मैथमेटिकल तरीका रहता है इसका रेशियो आपस का आपको पता है तो इसका जो प्रोपोरोशन होगा जो इसका वैल्यू होगा वो छे बटा इनका जोड़ इंटू दो सौ साठ और ये तेरह हो जाएगा और ये दो सौ साठ कट जाएगा बीस पे एक सौ बीस आपके पास आंसर आ जाता है सो so, क्वेश्चन में इसमें भी कुछ खास नहीं था बस वही बात है कि एकदम हड़बड़ाइये नहीं क्वेश्चन को देख के उसे थोड़ा सा सेटल होने दीजिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता सिर्फ ये कैलकुलेशन की ही बात थी यहां पे। चले आगे टोटल नंबर ऑफ एल आई जी फ्लैट बुक्ड इन एल आई जी की बात हो रही है मैंगलोर बड़ौदा नागपुर ये मैंगलोर आ गया ये बड़ौदा आ गया ये नागपुर आ गया ये तीनों इकट्ठे ही, ही हैं याद रखना होगा इस बात को तो ढूंढना आसान हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एल आई जी फ्लैट बुकड इन दीज थ्री सिटीज टूगेदर इज

एल जी का मतलब ये ट्राइंगल थ्री एट्टी तीन सो बीस औरली जोड़ सकते हैं तीन सौ अस्सी और तीन सौ बीस में से आप कैसे जोड़ेंगे तीन सौ अस्सी और बीस को जोड़ लीजिए चार सौ सात सौ और इधर आ जाएंगे आप तो ये दो सौ अस्सी तो ये कितना हो जाता है नौ अस्सी दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए मैं भी गलती कर गया थ्री एट्टी से आप इधर जा रहे हैं ये एल वाला है अक्सर यही गलती होती है 380 से 420 की तरफ जाएंगे मैं गलती से 320 रीड कर रहा था 420 की फिगर है तो ये 380 और 20, 400 और, 400 और 400 और 400, 800 हो गया है यहां पे, और आगे बढ़ते हैं 280 की तरफ तो ये 1080 जो है वो एल फ्लैट्स टोटल इन तीन शहरों में बुक हुए अब बात करते हैं हम एच आई जी की बड़े ख्याल से देखेंगे एच आई जी ये सर्कल है 200 उसके बाद आप 320 पे गए तो ये टोटल बन जाता है 520 और उसके बाद आप ये 300 पे जाते हैं तो ये 820 टोटल हो जाएगा सो एच आई जी है वो 800 बीस हो गए बाकी इन क्वेश्चन में सब सही रहता है लेकिन जो गलती का सबसे ज्यादा संभावना होती है वो इन्हीं फिगर्स को पढ़ने की होती है ये सर्कल ये स्केयर ये ट्राइंगल फिर ये ऊपर नीचे भी लिखे होते हैं तो यहीं पे आप गलती करते हैं अदरवाइज बाकी कोई बहुत ज्यादा इसमें जोड़ तोड़ की बात होती नहीं है सो so, अब वो कह रहा है कि एल आई जी एच आई जी के मुकाबले कितने परसेंट ज्यादा है ज्यादा तो आप निकाल ही लेंगे वो तो हम देख के निकाल लेते हैं कि माइनस एट ट्वेंटी करेंगे तो ये बात आपकी आ जाती है 260 पे यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब प्रॉब्लम यह है कि अब जो परसेंटेज इंक्रीज का उसने जो यहां पे डाल दिया है उसका अर्थ ये है या ये है अब कौन से वाला है इनमें से मेन क्वेश्चन यहां फंसता है देखिए इसमें इस जो हल करते हैं हम हमेशा यानी कि बेस डिसाइड करनी है बेस आपकी एच है या बेस आपकी एल है So, मुझे डिसाइड करना है बेस के बारे में अब वो कहता है कि एल आई जी एच आई जी से कितने ज्यादा हैं तो एच आई जी बेस है कि एच आई जी से एल आई जी कितना ज्यादा है तो यहां पे बेस होगा एच आई जी अगर उसने ये पूछा होता एच आई जी एल आई जी से कितने कम है एल आई जी से कितने कम है तो आप एल आई जी को बेस बनाते बस इसी बात का ख्याल रखिएगा कि बेस वो होगा जिसके मुकाबले आप इंक्रीज या डिक्रीज ढूंढ रहे हैं सो यहां पे आपका कौन सा फिट बैठेगा ये वाला लेकिन मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले थोड़ा सा ये मैं हटा देता हूं तो अब ये ऊपर क्या बनता है गुने सौ साठ गुण दस बटा भी पूरा नहीं कटता अब तीसरी अड़चन यहां पे ये है उसने जो ऑप्शन दे रखी है वो मैं लिखता हूं यहां पे सैतीस 35, बत्तीस और एक और ऑप्शन है उसने उनतालीस और एक चौतीस अब क्वेश्चन ये है कि और उसने साथ में कहा है अप्रोक्सीमेटली अंदाजन सो so, अब कैसे किया जाए इसका बैटर यहां ये रहता है कि 82 को आप 80 के पास ले जाओ तो इसको आप लिखो 260 सौ साठ बटे अस्सी इंटू अब ये क्या हुआ 82 से 80 कर दिया आपने तो यहां पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन आपने डिनोमिनेटर को कम कर दिया है बयासी से अस्सी ले गए तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपने डिक्रीज कर दिया है तो आंसर इससे नीचे होगा इसको हम थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेते हैं कि एक्चुअल आंसर इससे छोटा होगा सो इसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फिगर जो चलिए जीरो भी काट लेते हैं तो ये वाला फिगर आपका अप्रोक्सीमेटली सो तो चलिए मैं कर ही लेता हूं आठ तीय चौबीस दो आठ दूनी सोलह आठ तीए चौबीस चार बचता है दो बचता है और बिंदी आती है फिर आठ दुनी सोलह तीन थ्री पॉइंट टू कुछ हो जाता है इसको दस से करिएगा ये बत्तीस आ जाता है तो आंसर जो होगा वो बत्तीस से कम कम वाला ही होगा देखिए इसको मैंने 3.2 पॉइंट टू किया है कैलकुलेट करके डिवाइड करके ओरली डिवाइड कर लिया बत्तीस से कम होगा और उसकी जो ऑप्शन हैं, वो बत्तीस या बत्तीस से ज्यादा वाली हैं, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो एकदम से बत्तीस पे बैठ जाएगा So, इस क्वेश्चन में देखिए आप किस तरह वो खेल की तरह एक पड़ाव दूसरा पड़ाव और अंत में हमें आंसर मिल ही गया लेकिन फंसने की बहुत संभावना रही है सो so, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम डायग्राम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एमआईजी फ्लैट्स एम की बात हो रही है बुकड फ्रॉम अलाहाबाद मैंगलोर नागपुर औरंगाबाद अब हर तरह से उसने क्वेश्चन बनाया है अलाहाबाद मैंगलोर नागपुर और औरंगाबाद उसने बीच वाले दो छोड़ दिए अच्छा वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन दी टोटल नंबर ऑफ एम फ्लैट्स तो एम तो पहले जोड़ ही ले आप इनके एम का मतलब ये स्केयर बहुत ख्याल से जुड़िएगा चार लिखा मैंने उसके बाद मैं आ, यहां 320 पे नहीं आऊंगा ये नहीं है चंडीगढ़ नहीं है उसके बाद 460 मैं दो बार चेक कर रहा हूं इसको 460 लिख ही लिखी रहा हूं साइड पे ताकि मेरे से गलती ना हो और ये 240 छोड़ूंगा बड़ौदा नहीं है ये टिकता है जाके 420 नागपुर पे 420 लीजिए और उसके बाद 460 इन फिगर्स को आप टोटल कर लें और ये कौन सी आएंगी एम वाली फिगर्स आ जाती हैं इन्हें मैं आपके साथ ही जोड़ लेता हूं 440 और 60, 500, 400, 900, 1320, 1720 और 60, 1780 सो ये फिगर आपका टोटल एम आ जाता है और वो मुकाबला किनसे करना है उसने एच से सो एच आई जी हम इन चारों शहरों के लिए एच आई जी भी जोड़ना है देखिए ये सर्कल एच आई जी है सो दो सौ अस्सी और चंडीगढ़ छोड़ेंगे उसके बाद मैंगलोर दो सौ उसके बाद बड़ौदा छोड़ा जाएगा और यहां पे तीन सौ और तीन सौ के बाद आपका पांच सौ बीस इनको आप जोड़ेंगे अब तो ये बनता है 280 और ये 20 300 और 500 800 और, 311, और 200, 300 1100 और दो तेरह सो सो कितना डिफरेंस आ जाता है वो हमें बताना है तो so, ये डिफरेंस मेरे हिसाब से 480 का आता है विच शुड बी द आंसर सो चलें अगले क्वेश्चन पे वट इज द रेशो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑल थ्री टाइप्स तीनों का जोड़ बुकड इन अलाहाबाद एंड बड़ौदा रिस्पेक्टिवली सो बेसिकली हमें अलाहाबाद का जोड़ करना है तीनों का और बड़ौदा का जोड़ करना है और उनका जो रेशो है वो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये अलाहाबाद है इसकी ये तीनों जोड़ लें आप औरली जोड़ सकते हैं 440 और 360 में ये साठ जोड़ेंगे तो ये 500 हो जाएगा 380 और 1080 हजार मैं लिखता हूं अलाहाबाद 1080 है और बड़ौदा को हम लिख लेते हैं ये बड़ौदा आ जाता है इसके भी मुझे तीनों टाइप जोड़ने हैं 420 और 320 हो गए 740 980 हो जाएंगे और इनका मुझे रेशो निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1080 और 980 बस अब इनकी कटिंग है ये कटिंग आप दो पे तो करी लें दो पांच दस पांच सौ चालीस दो चार आठ नब्बे सो ये चुरंजा और फोर्टी नाइन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड अमंग द फोर गिवन ऑप्शंस So we shall close it right now.